सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर मौदीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे सिख धर्म के लोगों ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भी प्रकाश पर्व में पहुंचकर कीर्तन का आनंद उठाया। प्रकाश पर्व के अवसर पर यमुनानगर से आए रागी जसविंदर सिंह व नानकमता साहिब से आए रागी जत्थों के द्वारा गुरुवाणी के माध्यम से तथा अमृतसर पंजाब से गुरमत प्रचारक सतबीर सिंह ने गुरु इतिहास से संगत को निहाल किया, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह लाडे ने बताया कि पूरे देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह के पावन प्रकाश पर्व की बधाई। आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने पटना साहिब की धरती पर अवतार धारण किया था। आज गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। वहीं इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का 356 प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने धर्म और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। पूरे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे पूर्वज जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने सब कुछ बलिदान दे दिया था, उनकी याद में कार्यक्रम किया जाए। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है जिनका पूरा परिवार धर्म व देश के लिए बलिदान दिया हो। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हम सबको प्रेरणा देता है कि कैसे हम लोग देश व धर्म के लिए काम कर सकें। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सरदार जसपाल सिंह, सरदार हरविंदर सिंह, अरविंद सिंह, पीताम्बर सिंह, बलविंदर सिंह, अनमोल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह लाडे और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। पर आखिरकार साडी निमरता नूं उस वजह शायद कायर है, गुजदिल है। फिर दाता जी कहिंदे चुंकार अज हमां हील ते दर गुजश हवाल अस्त गुरदन बाश शमशीर दस्त। फिर विचों एक भी जंग विच गुरु गोबिंद सिंह ने पहला हमला नहीं कीता। ब्लड डोनेट कैंप भी लाया होया। ये भाई घनैया कौन है? रेड क्रॉस का पता जी तुहानूं की करदी है। जंग के मैदान में जाके दुश्मन 1700 जो आनंदपुर दंगा हुई भाई धार के पहाड़ी राजे एशिया की सब तो वड्डी सल्तनत मुगलिया सल्तनत फौजी चढ़ के आते सोना लगा हूं दस पता कलगिया वाले पातशाह के तीरों क्यों लगा हूं दस। गुरु साहब चाहते नहीं जंग करना, सारे कहते सारे मेरे अपने अपने, पर कहते जे लचार करता किसी ने जंग कर ली चला लाई तो कलगिया वाले ने जंग के मैदान किसी औरत का अपमान नहीं किया, किसी का धर्म नहीं बदलिया, जंग के मैदान च भजे जाते वार नहीं किया। तुहानू पता भगिया नहीं किया, जिन्हें जिधर जाना जाओ साडी किसी के परिवार का लड़ाई। फिर उत्थे रोजा शरीफ मक्के तो बाद दूजी मसीद है, उस मसीद की एक ना मंदिर टुटिया ना मसीद टुटी ना किसी का धर्म बदलिया, क्योंकि सिख की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये खिलाफ है जुल्म के खिलाफ। पंजाब लैणा कह के समाप्ति कर लगा। पटने शहर की धरती के भाग जागे जिसे अज अल्लाह का नूर आया, जन्मोत्सव कार्यक्रम पर आयोजित प्रकाश पर्व इस गुरुद्वारा सम्मानित सरदार मनमोहन सिंह लाडे जी, सरदार देवेंद्र सिंह जी, सरदार अरविंद सिंह जी, सरदार हरिप्रीत जी, श्रेयपाल सिंह जी ओली, सरदार जसपाल सिंह जी, भानु जी यहाँ उपस्थित, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी बड़ी संख्या में उपस्थित, मातृशक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये प्रकाश पर्व जो पूरे देश में नहीं दुनिया में
हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सच में केवल यह सिख समाज का कार्यक्रम नहीं है, सिख गुरुओं के बलिदान इतिहास में ऐसा धर्म और देश के लिए बलिदान कभी मिलेगा नहीं, जिन्होंने धर्म और बलिदान के लिए इतना बड़ा बलिदान पूरे परिवार का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार यहाँ संगत के माध्यम से और आप सबको भी यहाँ पर बैठे हुए बहनों भाइयों को सबको पूरा इतिहास का ज्ञान है। लेकिन ये भारत की सनातन परंपरा अगर आज जीवित है और हजारों वर्षों के गुलामी के कालखंड के बाद अगर भारत की सनातन परंपरा ऐसे जीवित जागृत आगे बढ़ रही है तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार का, सिख गुरुओं का है। और ये पूरे भारत को ऋणी होना चाहिए कि केवल एक समाज में पूरे भारत वर्ष को इस कार्यक्रम को 22 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक ये जो पर्व है पूरे इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो समाज लंबे समय तक अपने जीवित जागृत रहता है, जो अपने पूर्वजों की उस गौरव गाथा को हमेशा याद करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं हरप्रीत जी हमारे लाडे जी आप सबका मैं आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से सभी नगरवासियों को साहिब कमाल दसम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूं। आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पिता गुरु तेग बहादुर माता गुजरी जी की कोख से पटना साहिब की धरती में अवतार धारण किया था। आज हम उनका सभी नगरवासियों के सहयोग से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में साहिब जी का 356वां पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आज के कीर्तन दरबार की हाजिरी भरने के लिए हजूरी रागी सिंह मानरो भाई साहब, भाई लक्षपाल सिंह, भाई दिलबाग सिंह जी नानक मता, भाई जसविंदर सिंह जी यमुनानगर और गुरमत प्रचारक भाई सतवंत सिंह जी अमृतसर वाले पहुँचे हुए हैं, जो गुरबाणी शब्द कीर्तन और गुरमत विचारों से संगत को निहाल कर रहे हैं। 2:30 बजे अरदास होगी, उसके उपरांत गुरु का टूट लंगर बताया जाएगा। शाम का दीवान भी 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। रात में विशेष तौर पर आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का अति आभारी हूँ। गोरखपुर की समूची सिख संगत की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप सभी को साधुवाद देता हूं कि जो आपने इस महान कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आभारी हूं पुलिस प्रशासन का भी, जिनका पूरा सहयोग हमें नगर कीर्तन में मिला और हम शोभा यात्रा निकालने में बहुत सफल रहे। और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया की तरफ से, आप मीडिया के भाइयों की सहयोग से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी बहुत आभारी हूं, जो कि पिछले कई सालों से हमारा प्रयास चल रहा था कि 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया जाए, तो मोदी जी ने गुरु महाराज के और उन चारों साहिबजादों को की महान शहादत के कृतार्थ होते हुए 26 दिसंबर को केवल बाल दिवस ही घोषित नहीं किया, लाल किले में भव्य रूप से इसको मनाया भी। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा सिख समाज
उनका ऋणी है कि उन्होंने जो ये महान कार्य किया, विगत 70 वर्षों से देश आज़ाद हुआ किसी ने ये कार्य नहीं किया जो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक बार फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, मनमोहन सिंह लाडे सचिव गुरुद्वारा कमेटी, आप सभी नगरवासियों को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार धर्म और देश के लिए बलिदान हुआ है, और ये केवल सिख समाज नहीं बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है कि ऐसे पूर्वजों को जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, जिन्होंने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सर्व कुछ सर्वस्व बलिदान किया है, उनके याद में इस कार्यक्रम को किया जाए। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है जिनका पूरा का पूरा परिवार धर्म और देश के लिए बलिदान दिया हो। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये पावन पर्व, प्रकाश पर्व, हम सबको प्रेरणा देता है कि देश और धर्म के लिए किस प्रकार से बलिदान दिया जाए, और उसके उनको याद करके कैसे एक प्रेरणा के रूप में आगे की पीढ़ी देश और धर्म के लिए काम करे।